बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए सबसेट यू। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ यू माइनस ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए पावर सी और ए डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वो कह रहा है कि लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले तो आप एक यू सेट को यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि ए सबसेट ले लें आप बी का, ओके। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ यू माइनस ए, यानी एक सेट होगा यूनिवर्सल सेट जो यूनियन, मतलब जो सेट हमारे पास एक सेट होगा होल नंबर्स का, मतलब जो जो नंबर्स का एक सेट बनता है, जो हमारे पास जो सेट्स होंगे उन नंबर्स का एक यूनिवर्सल सेट होगा। उसमें से माइनस हमें कोई भी, अगर ए है तो ए, नहीं तो बी है, या कोई भी हमारे पास सेट जिससे भी डिनोट करें, उस नंबर्स के एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ यू माइनस ए, यानी यूनियन माइनस ए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए पावर सी और ए डैश। और ये डिनोट किया जाता है ए पावर सी यानी ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश से, ठीक है। इसकी एग्जांपल समझ लें। लेट ए इज़ इक्वल्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड यू इज़ द यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 up to 10, ओके। यू एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम नंबर्स हैं, और एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक एक एक नंबर छोड़कर, यानी नंबर आ रहे हैं और जाके प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से इसका हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा? यूनियन माइनस ए। अब हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ आपके पास देखें 1 से 1 माइनस हुआ तो इधर 2 आ गया, इस तरह वहाँ 3 है, 3 भी माइनस हो गया, 4 आ गया, देन 5 से 5 माइनस हो गया, 6 जो नंबर इधर हैं वो उसमें भी हैं, माइनस हो रहे हैं, 7 माइनस हो गया तो इधर 8 आ गया, और 9 माइनस हुआ और इधर 10 आ गया, ठीक है। इस तरह एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि ये एक आइडेंटिटी है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो अगेन वो वही बन जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा यूनियन माइनस ए, और अगेन जो बनेगा सेट उसको फिर यूनियन में से माइनस करेंगे तो वो सेट अगेन ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि अगर इस तरीके की आइडेंटिटी हो तो वो आपको याद कर लेनी है सिंपली, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें नीड नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।